तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको चार टीमों का वीडियो दे दिया है, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, सीएसके, इन सभी का वीडियो आपको मिल चुका है, प्रीव्यू वीडियो बना दिया है, आप लोग चेकआउट कर लीजिए हमारे जो वीडियो लिस्ट है वहां पर जाकर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीबी के बारे में, आरसीबी की स्ट्रेंथ, आरसीबी की वीकनेस, आरसीबी के एक्स फैक्टर खिलाड़ी क्या होगा, बेस्ट प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 में, इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कुछ नया अपडेट डालूं आईपीएल रिलेटेड या इंडियन फुटबॉल रिलेटेड। तो जरूर भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन ऑन करना। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, क्या है आरसीबी के स्ट्रेंथ। तो भाई आरसीबी का स्ट्रेंथ है उनका कैप्टन और एबीडी, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, दोनों ही बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। और आपको पता है कि ये दोनों खिलाड़ी जब बोलता है तो भाई सब चुप हो जाता है। साथ साथ भाई आरसीबी का जो मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम था इस बार उनका स्ट्रेंथ लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर शामिल हो चुका है फिंच, मोइन आली तो है ही, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल है, वाशिंगटन सुंदर है, मॉरिस को शामिल किया है इन्होंने ज़्यादा पैसा देकर, उसके बाद शिवम मौजूद है। तो अच्छा खासा एक कॉम्पैक्ट हमें मिडिल ऑर्डर इस बार दिख रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, इनके टॉप ऑर्डर अगर बिगड़ जाता तो भाई पूरा टीम ही एकदम डाउन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेंथ का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भाई इनका जो ओपनिंग बॉलिंग रहने वाला है इस बार बहुत ही उम्दा होने वाला है, क्योंकि सैनी ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया है, साथ साथ डेल स्टेन का ऑप्शन मौजूद है, उमेश यादव भी है। और इसके बाद एक और स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मैं कहूँगा भाई स्पिन में युजवेंद्र चहल आरसीबी का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि यूजी चहल अगर चल जाता है तो भाई सब कुछ रुक जाएगा। यूजी चहल अपना चक्कर अच्छी तरीके से स्पिन में चला सकता है यूएवी के पिच में, यूएवी के पिच भाई स्पिनर को ही सपोर्ट करने वाला है दो तीन मैचों के बाद, और यहाँ पर यूजी का ही मुझे लग रहा है कि बोलबाला होने वाला है। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं वीकनेसेस के बारे में। तो भाई वीकनेस बहुत ही ज़्यादा है इनके टीम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडिल ऑर्डर इस बार स्ट्रेंथ बना है इनका, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाकी टीमों के अगर मिडिल ऑर्डर देखा जाए और इनका मिडिल ऑर्डर देखा जाए तो कमज़ोर तो भाई थोड़ा बहुत तो लग रहा है। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट, यूजी चहल के अलावा और कौन प्रॉपर आपको स्पिनर यहाँ पर दिख रहा है? मोइन अली वो तो भाई ऑलराउंडर है, उसके बाद सुंदर की बात किया जाए तो भाई वो भी ऑलराउंडर में पड़ता है, तो एक प्रॉपर स्पिनर इनके पास मौजूद नहीं है यूजी चहल के अलावा। तो भाई स्पिनर का ही बोलबाला रहने वाला है यूएई में और इनके पास वही नहीं है, तो एक बहुत ही बड़ा कमजोरी है, बहुत ही बड़ा वीकनेस है। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो है भाई इनका डेथ बॉलिंग इस बार भी ठीक ठाक नहीं है। हाँ सैनी ने थोड़ा बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है, लास्ट सीजन अच्छा किया था और मुझे लग रहा है कि इस बार सैनी अच्छा करेगा, लेकिन उसके अलावा सिराज, डेल स्टेन, उमेश कौन करेगा डेथ बॉलिंग, तो यहाँ पर भी भाई प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो वीकनेस हमें बहुत सारा दिख रहा है इस टीम में। और भाई यहाँ पर एक और वीकनेस हम लोग देख सकते हैं कि विराट कोहली का कैप्टेंसी, T20 में उतना ज़्यादा इफेक्टिव विराट कोहली का कैप्टेंसी नहीं रहता है, खास करके भाई IPL में अपना बेस्ट प्लेइंग 11 सेट नहीं कर पाता है पूरा सीजन में, और मुझे लग रहा है भाई एक बहुत ही बड़ा कमजोरी है आरसीबी का। तो चलिए देखते कि विराट क्या चक्कर चलाता है इस बार, अगर ठीक ठाक वो मैनेज कर पाता है अपना प्लेइंग 11 तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी का थोड़ा बहुत चांस हो सकता है। हाँ पिछले सीजन से इस बार थोड़ा चांस लग रहा है हमें टीम देखकर, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और इसके बाद अगर बात किया जाए आरसीबी के एक्स फैक्टर खिलाड़ी कौन बन सकता है उसके बारे में, तो भाई मेरे हिसाब से दो खिलाड़ी का नाम सामने आ रहा है, देवदत्त है एक और दूसरे भाई यूजी चहल। आपको पता है कि यूजी चहल ठीक समय पर ठीक अपना काम कर देता है और वहाँ से ही मैच अपना रुख बदल लेता है, इससे पहले भी इस तरह का कारनामा यूजी ने किया है, मुसीबत के समय आकर बॉल करके विकेट चटका देता है। तो यहाँ पर यूजी चहल एक एक्स फैक्टर हो सकता है। दूसरा है भाई आरसीबी के बैटिंग लाइनअप के मिडिल ऑर्डर में देवदत्त, क्योंकि भाई इस बार मुझे लग रहा है कि देवदत्त को ओपन नहीं करवाएगा, उनको मिडिल ऑर्डर में ही मौका मिलेगा, और देवदत्त के पास एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने का, और मुझे लग रहा है कि देवदत्त के पास वो पोटेंशियल है आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को अच्छी तरीके से संभाल लेना। तो भाई देवदत्त अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है जो कि उनके पास है, उनके अंदर है, तो वो एक एक्सपेक्टर खिलाड़ी बन सकता है आरसीबी के लिए इस सीजन में। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आरसीबी का क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है तो 2020 में उसके बारे में। तो भाई मैंने बहुत ही सोच समझ कर एक बैलेंस प्लेइंग 11 तैयार किया है आरसीबी का, ध्यान से सुनिए। तो भाई सबसे पहले अगर ओपनिंग जोड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पर मैं प्रदीप पटेल और एरन फिंच के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर एक रीज़न ये है कि विराट कोहली आएगा 3 नंबर पर और 4 नंबर पर आएगा एबी डिविलियर्स,
तो थोड़ा बहुत हमें क्या होगा ना, मिडिल ऑर्डर में अच्छा खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा और मिडिल ऑर्डर थोड़ा बहुत स्ट्रांग लगेगा। प्रतीप पटेल भाई अच्छा खेलता है, आपको बताया कि धुआंधार शुरुआत वो कर देता है, हाँ कभी कभी टिकता है कभी कभी नहीं टिकता है। और उसके बाद भाई एरन फिंच, इनका तो कद कितना बड़ा है ओपनिंग करते हुए आपको ऑलरेडी पता है, तो ये भी भाई धुआंधार शुरुआत करके दे सकता है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर पर आएगा विराट कोहली, मैच को स्टेबल करेगा, उसके बाद ये भी आकर थोड़ा बहुत यहाँ पर फिनिश भी कर सकता है, उनको थोड़ा नीचे भेजा जा सकता है, लेकिन मैं विराट के बाद ए बी को लेना चाहूँगा क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा मिडिल ऑर्डर पर। और इसके बाद भाई पाँच नंबर पर मैं देवदत्त को डाल दूंगा क्योंकि देवदत्त भाई पाँच नंबर पर आकर विराट कोहली या ए बी डिविलियर्स के साथ अपना जोड़ी बना सकता है, तो एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर टैलेंट का एक संग मिश्रण हो जाएगा और बहुत ही उम्दा कॉम्बिनेशन दिखाई देगा मिडिल ऑर्डर में। उसके बाद भाई छः नंबर पर आएगा मोइन अली, या यहाँ पर मॉरिस को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई मोइन अली फर्स्ट चॉइस रहेगा इसीलिए क्योंकि यूएवी के पिच में आपको स्पिन की ज़रूरत पड़ेगा, तो मोइन अली से हमें स्पिन मिल जाएगा क्योंकि मॉरिस से वो बात नहीं होगा, इसीलिए मॉरिस को मैं शामिल नहीं करा हूँ। तो सात नंबर पर मैंने डाल दिया शुभम दुबे को, वो यहाँ पर आकर अच्छा काम कर सकता है, एकदम लोअर ऑर्डर में थोड़ा बहुत अपना टैलेंट दिखा सकता है। उसके बाद आठ नंबर पर मैं वाशिंगटन सुंदर को डाल दूंगा क्योंकि वो भाई ऑलराउंडर का काम कर सकता है, अगर मैच लास्ट में आकर फंस जाए तो वाशिंगटन सुंदर काम कर सकता है और उनसे भाई हमें स्पिन बॉलिंग भी मिल जाएगा। उसके बाद 9 नंबर पर आएगा भाई डेल स्टेन या उमेश यादव को भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डेल स्टेन और उमेश यादव मुझे लग रहा है कि अंदर बाहर होता रहेगा। और 10 नंबर पर रहेगा भाई नवदीप सैनी, इनका जगह फिक्स है। और 11 नंबर पर यूजी चहल, इनका भी जगह फिक्स है। तो भाई ये रहा मेरे हिसाब से आरसीबी का बेस्ट प्लेइंग 11, बैलेंस प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 के लिए। आप लोग क्या सोच रखते हो इस प्लेइंग 11 के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और आप लोगों के दिमाग में या मन में अगर कोई ऐसा प्लेइंग 11 हो आरसीबी के लिए तो वो भी कमेंट जरूर कीजिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या आरसीबी टॉप 4 में जा पाएगा, सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा, मेरी तरफ से भाई डेफिनेटली नो, क्योंकि बिल्कुल ही बैलेंस टीम नहीं लग रहा है आरसीबी। बाकी टीमों को अगर कंपैरिजन किया जाए आरसीबी के साथ तो बाकी टीम बहुत ही बेहतर है आरसीबी के तुलना में, उनके टीम में थोड़ा बहुत तो बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से भाई आरसीबी का पोजीशन 7 या 8 नंबर फिर से हो सकता है पॉइंट टेबल में, लेकिन क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो भाई अभी घर बैठे स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में क्या होगा उसके बारे में तो भाई उनको ही पता है और देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलिए देखते कि क्या होता है, आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।